नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 22 अगस्त, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मिथिला के मखाना को मिला GI टैग, अब 7 दिनों के अंदर मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र। एशिया कप में क्रिकेट मैच की कमेंट्री करेंगे बिहार के सोनू। मधेपुरा में बने इलेक्ट्रिक रेल इंजन ने विश्व भर में भारत को दी नई पहचान। क्रोमियम, निकेल और पोटेशियम का खनन शुरू करने की कवायद हुई तेज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मिथिला के मखाना को मिला GI टैग। आखिरकार मिथिलांचल के किसानों का बड़ा सपना साकार हो गया है और मिथिला के मखाना को भारत सरकार ने GI टैग दे दिया है। GI टैग मिथिला मखाना के नाम से मिला है। इसकी जानकारी भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। आपको बताते चले कि केंद्र के इस कदम से मखाना उत्पादकों को उनकी उपज को अधिकतम कीमत मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, मिथिला का मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ रोजगार उपलब्ध करा रहा है। देशों से लेकर विदेशों तक के बाजार में इसकी मांग है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वर पाठक की। बिंदेश्वर पाठक एक भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी हैं। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जो एक भारत स्थित सामाजिक सेवा संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। वह भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ ही उनके काम के लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें वर्ष 2017 के लिए लोक प्रशासन अकादमी और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1991 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के ही हाजीपुर में 2 अप्रैल 1943 को हुआ था। मधेपुरा में बने इलेक्ट्रिक रेल इंजन ने विश्व भर में भारत को दी नई पहचान। बिहार के मधेपुरा विद्युत रेल इंजन कारखाना में बनाए गए इंजन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मधेपुरा विद्युत रेल इंजन कारखाना में बनाए गए इंजन ने देश को विश्व के 6 एलिट देशों के ग्रुप में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बताते चले कि दुनिया भर में अब भारत 6ठा ऐसा देश है जो 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करता है। भारत से पहले रूस, चीन, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस ही इतने शक्तिशाली रेल इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि अब तक 250 इंजन तैयार कर भारतीय रेलवे को सौंपे जा चुके हैं और अगले 13 वर्षों में ऐसे 800 इंजनों का निर्माण किया जाना है। BPSSC ने जारी किया SI भर्ती परीक्षा का कट ऑफ। बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा के बाद कट ऑफ का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार पुलिस के SI सार्जेंट की भर्ती के लिए आयोग ने बीते दिन मार्कशीट जारी कर दिया है। BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं। BPSSC की वेबसाइट पर लिंक 21 अगस्त से 4 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। संक्षिप्त में आपको बताते चले कि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के पुरुषों का 149.4 कट ऑफ रहा, वहीं जनरल महिला का कट ऑफ 142.8 रहा है। कट ऑफ का डिटेल देखें। मालूम हो कि आयोग ने बिहार पुलिस में SI के 1998 पदों पर और सार्जेंट के 215 पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। अब 7 दिनों के अंदर मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र। राज्यभर में चरित्र प्रमाण पत्र की सेवा को RTPS यानी सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। इसमें निर्धारित समय सीमा 7 दिन के अंदर आवेदक को प्रमाण पत्र प्रदान कर देना होता है, परंतु थाना समेत अन्य स्तर के पदाधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही के कारण ये सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अब ऐसे पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ लापरवाही करने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस महकमा से जुड़े SCRB यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के DIG को इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही थाना स्तर पर इस आदेश का पालन पूरी शिद्दत से करने के लिए कहा गया है। आज होगी नगर निकाय चुनाव पर बड़ी बैठक। नगर निकाय चुनाव में इस बार काफी देर हो रही है, हालांकि इसकी तैयारी चल रही है। इस बीच बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आयोग ने 172 निकायों में आरक्षण तय करने का निर्देश जारी किया है, जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। आयोग के अनुसार आरक्षण प्रस्ताव का अनुमोदन 25 से 21 अगस्त तक का समय निर्धारित है।
क्रोमियम निकेल और पोटेशियम का खनन शुरू करने की कवायद हुई तेज। राज्य को राजस्व का एक बड़ा सा हिस्सा खनन से प्राप्त होता है और खुशी की बात यह है कि बिहार में अगले वर्ष से बड़े खनिज ब्लॉक से खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि राज्य में बड़े खनिज भंडारों के खनन की राज्य में अब तक कोई नियमावली नहीं है। ऐसे में बड़े खनिज भंडार से खनन प्रारंभ हो और राज्य के राजस्व में वृद्धि हो, इसके लिए वृहद खनिज भंडार खनन नियमावली गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके बाद खनन प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने बिहार को कई बड़े खनिज भंडार आवंटित किए हैं। इन खनिज भंडारों में क्रोमियम, निकेल, पोटेशियम की खानें हैं। खुदीराम बोस स्मारक इस वजह से है बेहद खास। खुदीराम बोस स्मारक 18 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि के रूप में मुजफ्फरपुर में बनाया गया था। मालूम हो कि खुदीराम बोस को 1908 में प्रफुल्ल चाकी के साथ किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के लिए फांसी दी गई थी, जो उस समय मुजफ्फरपुर के ब्रिटिश सत्र न्यायाधीश थे। इस ऐतिहासिक स्थान पर कई पर्यटक आते हैं जो युवा सेनानी की कहानी से मोहित होते हैं, जिन्हें चेहरे पर मुस्कान के साथ ही शहादत के लिए भेजा गया था। कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 18 साल की उम्र में भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। राजद नेता ने कहा, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तभी बिहार का विकास होगा। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव का कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बने तो फिर बिहार जैसे गरीब राज्य का कल्याण नहीं होगा। दरअसल मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र यादव अपने गृह जिला गया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु से नीतीश कुमार के लिए कामना करने आया था। मैं भगवान विष्णु और माता से प्रार्थना करता हूं कि नीतीश कुमार को वो देश का प्रधानमंत्री बनाए। पूरा देश और बिहार नीतीश कुमार की ओर देख रहा है। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश और बिहार का कल्याण होगा। बिहार जैसे गरीब राज्य का कल्याण तभी होगा जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। विष्णु भगवान और फल्गु माता नीतीश कुमार को आशीर्वाद दें कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। इन जिलों में है अगले 24 घंटे तक वज्रपात की आशंका। मौसम अपना रुख कब बदल ले किसी को भी नहीं पता, और ऐसा ही कुछ इन दिनों बिहार में देखने को मिल रहा है। अभी धूप है तो दूसरे ही पल बारिश वाली स्थिति बन जाती है। इस बीच मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार की राजधानी पटना सहित बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, सुपौल, किशनगंज, भागलपुर, अररिया, बांका और जमुई जिले में तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। सहरसा के बेटे ने राज्य सहित बढ़ाया देश का मान। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है और अभी भी कर रहे हैं, और अब इन्हीं में से एक बन गए हैं सहरसा जिला के मीर टोला निवासी अरबाज अंसारी। दरअसल थाईलैंड के पट्टाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में सहरसा जिला के मीर टोला निवासी अरबाज अंसारी और उनके जोड़ीदार उड़ीसा के दीप रंजन बिसोई ने मिलकर देश के लिए कांस्य पदक जीता। आज के इस सफलता ने एक बार फिर से कोशीवासियों सहित पूरे देश को गौरवान्वित किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए आज है अंतिम तारीख। अगले साल 2023 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आज यानी 22 अगस्त को 10वीं बोर्ड में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। मालूम हो कि 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 18 अगस्त को दोबारा लिंक खोला गया था, जो आज यानी 22 अगस्त तक उपलब्ध रहने वाला है। इस अवधि के बाद पुनः पोर्टल डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। जंगल राज वाले बयान पर नीतीश सरकार ने किया पलटवार। बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से यह चर्चा जोरों पर है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज का दौर आ गया है। इस पर पलटवार करते हुए महागठबंधन सरकार ने फिर हमला बोला है। जदयू के वरिष्ठ नेता वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कल तक जो जदयू के साथ सरकार में थे और पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते थे, अचानक सत्ता से बाहर होने पर बिहार में उन्हें जंगल राज दिखाई देने लगा है। यह पुलिस की कार्यशैली में फर्क नहीं बल्कि उनकी मानसिकता में आए बदलाव का परिचायक है।
लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं सिंगापुर। कई महीनों से किडनी की समस्या से जूझ रहे लालू यादव अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। हाल ही में उनका पासपोर्ट भी अप्रूवल हुआ था और अब उनकी सिंगापुर जाने की तैयारियां भी चल रही हैं। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है और लालू प्रसाद यादव पिछले एक साल से सिंगापुर के डॉक्टर के संपर्क में हैं। पिछले साल नवंबर में भी इस बात की चर्चा हुई थी कि वो सिंगापुर में अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। वहीं अब परिवार में सहमति बन गई है और वो जल्द ही सिंगापुर के लिए निकल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में मंत्री बनना अपमान की बात। बिहार में मंत्री बनना अपमान की बात है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा खुद जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री नहीं बनाए जाने पर उनके नाराज होने की खबर आ रही थी। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मैंने कभी मंत्री बनने की इच्छा जाहिर नहीं की और ना ही कभी मैं मंत्री बनूंगा। आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मैं केंद्र में मंत्री रह चुका हूँ, इसलिए बिहार में मंत्री बनना अपमान की बात है। हमारा लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव और अपने नेता नीतीश कुमार को 2024 में स्थापित करना। उन्होंने कहा कि जब मैं पार्टी में आया था उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा, हमें मंत्री नहीं बनना है। नीतीश कुमार से कांग्रेस की बड़ी मांग। भाजपा को सबक सिखाने के लिए भले ही कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन के साथ खड़ी हो, लेकिन अभी भी कई मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच लंबित हैं। इस बीच कांग्रेस ने पटना के वीरचंद्र पटेल पथ पर कार्यालय आवंटित करने की मांग की है और उन्होंने ट्वीट कर सीएम नीतीश से कांग्रेस की इस लंबित मांग को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। दरअसल अनिल शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार में जदयू सहित अन्य दलों को कार्यालय आवंटित किया गया है किंतु कांग्रेस को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। कांग्रेस का आवेदन लंबित है। आग्रह है कि निर्धारित मानदंड के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को भी वीरचंद पटेल पथ पर कार्यालय आवंटित किया जाए। मालूम हो कि कांग्रेस का कार्यालय आजादी के दौर से ही सदाकत आश्रम है। 29 अगस्त नहीं, इस दिन होगी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। जदयू की यह बैठक अगले महीने की 3 और 4 तारीख को होने वाली है, जो कि वीरचंद्र पटेल स्थित जदयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार में होगी। इससे पहले जदयू की यह बैठक इसी महीने अगस्त के 29 तारीख को आयोजित होने वाली थी, लेकिन बाद में इस तिथि का खंडन कर दिया गया। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस बैठक में जदयू अगले साल होने वाले नागालैंड विधानसभा चुनाव और गुजरात चुनाव पर भी मंथन करने वाली है। एशिया कप में क्रिकेट मैच की कमेंट्री करेंगे बिहार के सोनू। बिहार के प्रतिभाओं ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां अपनी कामयाबी का परचम नहीं लहराया हो और बिहारी का छाप नहीं छोड़ा हो। इसी कड़ी में भागलपुर के अभिषेक सोनू ने क्रिकेट के कमेंट्री जगत में एंट्री मारी है। खास बात यह है कि भागलपुर के अभिषेक सोनू एशिया कप में दुबई से भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री करेंगे और अपनी आवाज की जादू बिहार सहित समस्त देश में बिखेरेंगे। आपको बताते चले कि अभिषेक की कमेंट्री आईसीसी की मान्यता प्राप्त चैनल 4 नेटवर्क के लिए वह अपनी आवाज़ देंगे। मालूम हो कि एशिया कप 2022 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुबई में खेला जाना है। आरसीपी सिंह के समर्थन में उतरे चिराग पासवान और भाजपा नेता। बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से सियासी घमासान शुरू है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं जदयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह भी जदयू पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच सुपौल के जदयू जिलाध्यक्ष ने बैठक कर कार्यकर्ताओं को आरसीपी सिंह को जिले में घुसने नहीं देने की बात कही। इसके बाद सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है। वहीं चिराग पासवान सहित एनडीए सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके नीरज कुमार बबलू आरसीपी सिंह के समर्थन में आए हैं। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा कि गुंडागर्दी है क्या, हम भी जाएंगे सुपौल, कोई रोक कर दिखाए। वहीं आरसीपी सिंह भी बिहार का भ्रमण करेंगे, मैं भी करूंगा, कोई रोक कर दिखाए। पत्रकार के पीड़ित परिजनों से मिले पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बीते दिन से मुलतला थाना क्षेत्र के लीलावरण गांव के मृतक पत्रकार गोकुल यादव के परिजनों से मुलाकात की। इस बीच पत्रकारों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है वह चिंता का विषय है। पत्रकार की हत्या की जा रही है, लिहाजा वह कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा, मामले का स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान उन्होंने 25,000 नगद राशि मृतक की बेटी के हाथों में देते हुए कहा कि बच्चे की शिक्षा के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी वह करेंगे। आपको बता दें कि इसी महीने की 10 तारीख को एक दैनिक अखबार के प्रखंड संवाददाता गोकुल यादव की दिनदहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी थी।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के पहले प्रवीण पायलट इंद्रलाल राय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1921 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में लोकसभा भंग की। राज्य सरकार ने 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। भारत के सुविख्यात कला मर्मज्ञ तथा चिंतक आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 को हुआ था। फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार सोमभू मित्रा का जन्म 1915 को हुआ था। प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का निधन 1818 को हुआ था। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शुभमन गिल बने भारतीय टीम के कप्तान। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके लिए बीसीसीआई ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इन 16 सदस्यीय टीम में शुभमन गिल कप्तान, यश दुबे, हनुमा बिहारी, रजत पाटीदार, सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर, के एस भरत विकेट कीपर, शम्स मुलानी, ज्वलज सक्सेना, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, शुभम शर्मा, अक्षय वाडकर, शाहबाज अहमद और मनीष शंकर मुड़ा सिंह शामिल हैं। मुकेश अंबानी से आगे निकले गौतम अडानी। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शुमार भारत के दो दिग्गज गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के संपत्तियों का फासला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी और दूसरे सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के बीच संपत्ति में आए फासले पर नजर डाले तो दोनों में 45 अरब डॉलर से ज्यादा का गैप है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 94.7 अरब डॉलर है। इसके साथ ही वो टॉप 10 की लिस्ट में 10वें स्थान पर है। वही इस हिसाब से गौतम अडानी मुकेश अंबानी से 3.59 लाख करोड़ रुपए की बढ़त में है। अगर आप भी हो गए हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार तो यहाँ करें घर बैठे शिकायत। जिस रफ्तार से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से अब ऑनलाइन ठगी भी की जा रही है। सीधे तौर पर कहें तो अब चोर भी डिजिटल हो गए हैं। ऐसे में आए दिन कोई ना कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि अगर भगवान ना करे आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए तो बिना पुलिस स्टेशन जाए घर बैठे कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट cybercrime.gov.in को ओपन करना होगा। इसके बाद फाइल कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, रिपोर्ट अंडर साइबर क्राइम बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करें। जदयू के महाराष्ट्र में पैर पसारने की कोशिश। जदयू खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी पहचान बना चुकी जदयू को हाल ही में मणिपुर में भी राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा मिला है और अब जदयू महाराष्ट्र में पैर पसार रही है। दरअसल नई सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र जदयू के पदाधिकारियों की टीम बिहार दौरे पर पटना पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ स्थापना काल से जुड़े रहे सच्चू सेठी, अतुल देशमुख, मट्टू जी खुराना, नील कबीर की टीम बिहार दौरे पर आई है। इस दौरान उमेश कुशवाहा ने टीम को प्रदेश संगठन की विस्तार से जानकारी दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, उमेश ऋषिदेव, राजवंशी चौधरी, आयुष राज, लक्ष्मी मेहता, नुनू कुमार, मनोज कुमार, कांति कुमारी, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, राधेश्याम प्रसाद, अतीक खान, सुकई पासवान, पवन सिंह और संतोष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके विचारधारा से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook पेज से देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।